ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी अब हो जाएं होशियार। 200, 300 और 500 रुपए के जुर्माने अब भूल जाएं। अब होंगे भारी जुर्माने, वो भी सख्ती के साथ। हाल ही में लाहौर पुलिस ने ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्मानों में बड़ा इजाफा कर दिया। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में शहरियों को खबरदार कर दिया है। सोशल मीडिया पर शहरियों को इतला देते हुए पंजाब पुलिस का कहना है कि अब ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर 200, 300 और 500 के बजाय 2000 और 5000 जुर्माना होगा। इस हवाले से CTO लाहौर मुंतजिर मेहदी ने DIG ट्रैफिक पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी है। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जुर्मानों की तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाफ वर्जी पर कितना जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग पर 2000 रुपए, जबकि कार की गलत पार्किंग पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, जबकि मोटर कार चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 2000 रुपए और मोटर कार वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना आयद होगा। काले शीशे वाली गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना देना होगा। बगैर नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर 2000, जबकि मोटर कारों पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। और दीगर खिलाफ वर्जियों पर मोटरसाइकिल पर 2000 रुपए, जबकि मोटर कार पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। ट्रैफिक जुर्माने के बड़े इजाफे पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें।